हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने आईफोन्स पे iOS 17 डेवलपर बेटा के अपडेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और बिना किसी डेवलपर अकाउंट को यूज़ किए। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रोसेस को पूरा ध्यान से फॉलो करना है, तभी आप सभी अपने आईफोन्स पे इस नए अपडेट को यूज़ कर सकोगे, नए फीचर्स को यूज़ कर सकोगे। तो चलिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने ऐप स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च बार के ऊपर टैप करना है एप्पल डिवेलपर। जैसे यहाँ पर एप्पल डिवेलपर टाइप करोगे, आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन होगी और आपको इस वाली ऐप को अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको यहाँ पर ये ऐप का आइकन देखने को मिलेगा, तो इसको आपने ओपन करना है। कुछ इस तरह का आपको ये लेटेस्ट इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको अकाउंट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी एप्पल आईडी को साइन अप करना है। यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो अपने एप्पल आईडी को यूज़ करके आप इसमें साइन अप कर लोगे बड़े ही आसानी से। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट टैप फॉलो करना है, इनरोल नाउ के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको प्रोग्राम मेंबरशिप बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करता है आप इसे रीड भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इसे कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर फिर से टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे कंटिन्यू बटन के ऊपर फिर से, तो आपको यहाँ पर लोडिंग शो करेगा। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो अगला स्टेप आपका होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करने का। तो यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है, अपना लास्ट नेम एंटर करना है और अपने फ़ोन नंबर को एंटर करना है। जब ये लोडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको करना है क्या कि सिंपली अपने डिवाइस को आपने रीस्टार्ट कर लेना है। जब आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेते हो तो आपको सेटिंग्स में ओपन करना है और यहाँ पर आपको जनरल के ऊपर टैप करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा iOS 17 अपडेट बीटा अपडेट्स का, इस अपडेट के ऊपर टैप करना है और आपको बीटा अपडेट्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इसे इजीली अपने आईफोन में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। आपको डाउनलोड का बटन शो हो जाएगा, इंस्टॉल का भी बटन शो हो जाएगा। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने किसी भी आईफोन में इस नए अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग,